बहुत प्रणाम सभी को। मेरा आत्मवंदन स्वीकार करें कॉस्मिक वैली से। हम हैं कॉस्मिक वैली और आदि शंकराचार्य जी के स्पॉट पे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पॉट कहाँ कब मिला और कैसे समझ आया कि यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की कॉन्शियसनेस है। तो हुआ ये कि 2016 में एक महिला 40 दिन के ध्यान के लिए आई थी और वो हमेशा ध्यान करती थी अलग अलग स्पॉट्स पे बैठकर। और एक दिन उन्होंने इस स्पॉट पे बैठकर ध्यान किया और उन्होंने घूंघट डाला हुआ था। देखिए, हम सबको पता है कि साउथ इंडिया में घूंघट का कोई रिवाज नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, बट उन्होंने घूंघट डाला हुआ था और वो ध्यान कर रही थी। और ध्यान में उन्होंने सरोजा अम्मा से बोला कि चलिए यहाँ पर मेरे लिए मेडिटेशन का स्थान बनाइए, मेरे लिए ध्यान के लिए स्थान बनाइए। तो सरोजा अम्मा ने उनको देखा कि ये घूंघट डाल के क्यों बैठी हैं और ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। और जैसे ही उन्होंने उनको पलट के देखा तो उन्होंने देखा कि आदि शंकराचार्य जी का स्वरूप आया हुआ है उनके अंदर। तो उन सरोजा अम्मा को बिल्कुल आदि शंकराचार्य जी के साक्षात दर्शन हुए उन लेडी के रूप में, उन महिला के रूप में। और यहाँ पर तब से आदि शंकराचार्य जी का स्थान बना, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी ऊर्जा यहाँ पर हमेशा है। तो आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं। बैठ के ध्यान करने से आपकी जो ऊर्जा है वो आदि शंकराचार्य जी की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है और आदि शंकराचार्य जी की ऊर्जा आपके सिस्टम में स्वतः ही बहुत सरलता से आ जाती है और आप अपने सिस्टम में, अपने शरीर में आदि शंकराचार्य जी की एनर्जी महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कनेक्टेड हूँ आदि शंकराचार्य जी से, तो आप बिल्कुल सरलता से यहाँ पर अपनी वीडियो पॉज कीजिए और थोड़े मिनट का ध्यान यहाँ इस जगह से कनेक्ट होके कीजिए। और फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ध्यान में आदि शंकराचार्य जी से कनेक्ट कर पाए।